हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड, जैसे कि आजकल धनिया बहुत आ रहा है मार्केट में और हरा हरा धनिया है, तो क्यों ना उससे कुछ बनाया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ धनिया की सब्जी या धनिया की भूजी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी भी है, हरी भरी सब्जी है, तो क्यों ना हम ट्राई करें। और लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छी है, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं बनाना। तो धनिया भूजी बना रहे हैं। तो धनिया भूजी के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे आलू ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के 2 आलू हैं। यहाँ पे अदरक लिया है, कद्दूकस कर लेंगे या फिर आप उसको पेस्ट भी बना सकते हैं। और इस तरीके से सर्किल बनाए हुए हैं मैंने। ये सूखी लाल मिर्च है, आप चाहे तो हरी भी ले सकते हैं। तो वो मैंने 2 मिर्च ले ली हैं। और ये मीडियम साइज़ के 2 टमाटर हैं जो मैंने चॉप किए हुए हैं। और अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ, गैस की तरफ। तो आप कोई भी बर्तन ले लेंगे, कढ़ाई पैन जो भी लेंगे, और उसमें हम डाल रहे हैं 1 स्पून हम जीरा ऐड करेंगे इसमें। और लगभग हम ये 1/4 यानी बहुत कम या 2 पिंच मेथी दाना हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग, 2 से 3 पिंच हींग ऐड कर रहे हैं हम इसमें। मैंने ऑयल डाल लिया था, फूड ऑयल डाल लेंगे आप कोई भी जो आप खाते हैं। 2 चम्मच मैंने लिया है इसमें फूड ऑयल। और अब डालेंगे हम इसमें अदरक। अगर आप ऑनियन खाते हैं ऑनियन डाल सकते हैं, गार्लिक खाते हैं वो भी डाल सकते हैं, ये आप चॉइस अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये हल्का सा मैंने भून लिया। टमाटर डालेंगे और मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम थोड़ी लो करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 स्पून डाल रहे हैं हम रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची, हम कलर के लिए डालते हैं। और रेड चिली पाउडर हम स्पाइसी कितनी हमें खाना है थोड़ा उसके लिए ये हम डालेंगे इसमें। लगभग 1 स्पून हमने हल्दी डाली है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें 1 स्पून धनिया पाउडर, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक के छोड़ देते हैं हम लो फ्लेम पर लगभग 1 मिनट, ताकि हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अब डालेंगे हम इसमें आलू, और जो हमने लाल मिर्च ली थी उसको कट किया हुआ था वो डाल देंगे। सभी चीजों को मिक्स करेंगे और लगभग हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। सभी चीजें मिक्स कर दी हैं और अब हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। लगभग 1 स्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। मिक्स कर लेते हैं और इसको अब हम लिड लगा के छोड़ देंगे। लगभग हमें इसको 7 से 8 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है, यानी जब तक हमारे जो आलू हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं, अच्छे से पक ना जाएं। तो फिर हम इसको चेक करेंगे 6 से 7 मिनट के बाद। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक होने देते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, लो फ्लेम पर हमारी गैस है और हम इसको मिक्स करेंगे। आलू चेक कर लेते हैं, अभी थोड़ा हार्ड है आलू। और हम इसको लो फ्लेम पे इसलिए कुक कर रहे हैं क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे मसाले हैं वो सभी जल जाएंगे, तो इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे कर रहे हैं। और अभी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं। तो ये हमारे 1 से 2 मिनट हो गए हैं, फिर वापस मिक्स करेंगे हम इसको, चला लेते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से पके हैं या नहीं। ये देखिए, मैंने तोड़ के देखा है, आलू को कट किया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इट मीन्स जो हमारे आलू हैं वो सही से हमारे कुक हो गए हैं। अब जो हमने धनिया पत्ती ली है, 1 बाउल ली है,
इसको हमने अच्छे से साफ किया, कट किया, वॉश किया 2 से 3 बार, और अब हम इसको धनिया पत्ती को उसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। धनिया पत्ती हमें तब डालनी है जब हमारे आलू जो अच्छे से कुक हो जाएं, और जब हम गैस की फ्लेम बंद करने वाले हों तो उससे हमें लगभग 1 मिनट पहले ही हमें इसको डालना होता है, या 30 सेकेंड्स। तो हमने ये बंद डाल दिया है और हम लिड को लगाकर अभी हम इसको लगभग 30 सेकेंड्स, मिनट नहीं 30 सेकेंड्स के लिए हम इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, लिड हटा देते हैं और अब हम इसको एक बार मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। और हम लेंगे अभी गरम मसाला, तो 1/2 स्पून गरम मसाला लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और करने के बाद हम इसको चला लेते हैं। तो ये हमारी जो सब्जी है, यानी जो धनिया की सब्जी है, धनिया की भुजिया बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ध्यान रहे कि जब हमारे आलू अच्छे से कुक हो जाएं आप तभी इसमें धनिया ऐड करेंगे। और दूसरा कि अगर ये हमने जो रखी हुई है लिड लगाकर, अगर हाई मतलब मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं तो हम इसको रखेंगे 30 सेकेंड्स, अगर हम इसको लो फ्लेम पर रख रहे हैं तो हम 1 मिनट भी रख सकते हैं, और आपकी गैस के ऊपर डिपेंड है। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, हम इसको सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। तो ये हमारी धनिया की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, या धनिया की भुजी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही जी खुशबू आ रही है। और आप इसको परांठे के साथ, पूरी के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच में भी ले जा सकते हैं, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में रखने के लिए बहुत ही अच्छी हमारी ये वेजिटेबल है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।